जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। सब शांत हो जाओ रे, अब सब ठीक है। सूर्या के पापा ही वो ऑफिसर हैं, काम थाई गए हो। सूर्या तुम ही जाके साइन लेकर आ जाओ, किस्सा ही खत्म। सूर्या साइन ले आओ। कौन सा साइन? सब कुछ तो पता है सूर्या, फाइल पे एक साइन लेकर आ जाओ। पापा जाओ उसे। उसे भूलना इम्पॉसिबल है सूर्या। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन वो नहीं होगा। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनके साइन चाहिए। मैं 25 सालों से पापा को जानता हूँ, तुम उन्हें नहीं जानते। भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, साइन तो करवा के ही रहूंगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से, मुझे साइन चाहिए। नहीं होगा। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 3000 करोड़ की, कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पा ने मना कर दिया तो वो काम कभी नहीं होगा, कभी नहीं। गजा भाई से ऊंची आवाज में बात करता है। ये गजा तुझे फोकट की दारू पिलाता है, इसलिए तू इससे प्यार करता है। तो सोच, जिंदगी देने वाले बाप से मैं कितना प्यार करता हूँ। जिंदा दफना दूंगा तुझे, भूल जा, मैटर यही क्लोज कर दे। बेटे को किडनैप करेंगे तो बाप झक मार के साइन करेगा, ये तूने ही कहा था। इसके हाथ पैर तोड़ के रस्सी से बांध दो साले को। मुझे मार खाने का शौक नहीं है। सूर्या की क्रोध की अग्नि में जिस जिस को जलना है मेरे सामने आ जाए। गुंडों को मार सकता है, लेकिन उसे छू भी नहीं सकता। रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर है वो, 5-time विनिंग MLA शिवलिंगम राजप्पा। अगर मैं तेरे पापा से साइन नहीं भी करवा पाया, तो वो मुझ जैसे 10 क्रिमिनल को खड़ा कर देगा। शहर के हर क्रिमिनल को कॉन्ट्रैक्ट देता रहेगा, जब तक कोई वैश्य दरिंदा तेरे बाप के हाथ काट के उससे साइन नहीं करवा लेता। कान खोल के सुन ले, वो बड़ा मिनिस्टर हो, शहर के 1000 गुंडों को जानता हो, पार्टी और गवर्नमेंट का उसे सपोर्ट हो, चाहे कोई भी पापा की जान का दुश्मन बने। अपनी जान देकर उनकी हिफाजत करूंगा। क्या वो मिनिस्टर एक साइन के लिए अपनी जान दे सकता है? जाके बता दे उसे, आज के बाद किसी भी वजह से किसी भी इंसान ने उन्हें मारने की कोशिश तो दूर, उनकी तरफ कदम भी बढ़ाया ना, तो मार दूंगा उसे। ये नारायण मूर्ति के बेटे सूर्या का वादा है। वो इंसान जिसके लिए काम उसका धर्म है, ईमानदारी उसकी पहचान है, जिसका सर आज भी फक्र से ऊंचा है, उसका नाम है नारायण मूर्ति। जो उनका सर झुकाने की कोशिश करेगा, उसकी गर्दन उखाड़ दूंगा। पप्पा है वो मेरे। बधाई हो। अरे अभी तक होम मिनिस्टर बना नहीं हो। अरे बनी गए जीजा जी, पार्टी प्रेसिडेंट का फुल सपोर्ट है आपको। सत्ता के गलियारों में बस एक आप ही की तो चर्चा है। कॉम्रेड सर, ये आपके लिए गिफ्ट। दिल्ली से 500 करोड़ का टेंडर मैंने तुम्हें दिलवा दिया,
आणि तू मला 10 लाखाची गाडी चिपकवतोय. कार के अंदर 50 करोड़ का बैग भी है सर. तुम जाओ यार. मैं यहाँ से सीधे पार्टी ऑफिस जाऊंगा. ध्यान रखना गाड़ी की कीमत 50 करोड़ 10 लाख रुपए है. हाँ हाँ। कोई विश्वास नहीं करेगा कि कार में 50 करोड़ रखे. हाँ। ये पानी के फुगे क्यों फेंक रहा है? ये होली नहीं खेल रहा है, कुछ तो लोचा जरूर है. ये पानी नहीं है, पेट्रोल है. अबे मर जाएगा तेरे लोग फल. फल कौन सा फल का? अरे तो फेंक ले. बच गए वरना हमारा तो तंदूरी बन जाता. किसी का बच गए? अबे बैग जल गया तो जीजा जी भी हमें जिंदा जला देंगे. लेके आओ. अरे कमबख्त, बैग निकालो जल्दी से, जल्दी करो. देखो बॉस, मैंने बैग को बचा लिया. चुप. टकला इतना बड़ा है, अकल बिल्कुल नहीं है. 50 करोड़ घेऊन गेला कोण होता तो? कैसा दिखता था? काला डिजाइनर जैकेट, मस्त काली बाइक. क्या एंट्री थी बॉस. एंट्री आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया. बाइकर एकदम हाइपर था. अरे मैं उसका हुलिया पूछ रहा हूँ और तू मुझे गाड़ी के बारे में बता रहे? टकले, शिवलिंगम राजप्पा के 50 करोड़ उड़ा के ले गया. कौन है वो साला? कौन है? घेऊन गया. मिनिस्टर से मिलना है. नहीं अभी नहीं, मिनिस्टर साहब टेंशन में है. मैं ही वो टेंशन हूं. ये लीजिए आपके 50 करोड़ रुपए, मैंने ही लूटे थे. अमुखी दे. बेसुने सर. कौन आए रे तू? इतने लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा. बटला, तो बली भाई का आदमी है जिसकी 100 एकड़ की जमीन मैंने हड़प ली? नहीं सर. तो तू उस पटेल का आदमी है जिसको एक टेंडर के लिए मैंने टपका दिया? नहीं सर. तो तू उस रघुराम गैंगस्टर का रिश्तेदार? सर, मैं इनमें से कोई नहीं. मैं एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा हूँ, नारायण मूर्ति का. चले जाइए यहाँ से. सर मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ. दुनिया का हर बेटा अपने पापा से थोड़ा सा डरता है, उनकी इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है, लेकिन मैं अपने पापा के लिए पागल हूं. इतना पागल हूं कि मेरे पापा की जान बचाने पर मैंने एक गैंगस्टर से दोस्ती कर ली. आप ही का आदमी है गजा. जब उसने मुझसे पेपर साइन करवाने की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया. उसने कहा आप नहीं मानेंगे तो आपसे मिलने चला आया. सर सोसाइटी के ज्यादातर लोग पैसा, पावर और प्रेस्टीज के पीछे भागते हैं. आप भी उनमें से एक हैं, लेकिन मेरे पापा ईमानदारी के लिए जीते हैं. पूरे करियर में उन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली सर. एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पर उनके लिए नहीं. एक अरबपति होते हुए भी अगर आपको 50 करोड़ खोने का इतना ज्यादा दुख हुआ तो वो अपना स्वाभिमान और उम्र भर कमाई हुई इज्जत कैसे खो सकते हैं, वो भी एक छोटे से साइन के लिए. ये तो नाइंसाफी है ना. मेरे पापा 15 दिन में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें खुशी खुशी रिटायर होने दीजिए, फिर जो करना है कीजिए. यही बात बताने के लिए आपसे मिलना चाहता था. किसी मिडिल क्लास आदमी को आपकी अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होता है, इसीलिए ये सब करना पड़ा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं चलता हूँ. बड़े मिनिस्टर हैं, बेसीजा
ये गुंडे पैसों के लिए आपकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पापा की हिफाजत के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इनसे खतरनाक हूँ और आपसे भी। लगता है मेरी बात आपके खोपड़ी में नहीं घुसी। आखिरी बार समझाता हूँ, अगर मेरे पापा खुश तो मैं भी खुश। ये थी पर्सनल बात, इसे भूल जाइए। अगर मैं खुश रहूंगा तो आप भी खुश रहेंगे। ये आपके इंटरेस्ट की बात है, इसे मत भूलना। ख्याल रहे कि मिनिस्टर को सूर्या के बारे में पता ना चले, समझ गया ना भाई? हाँ, सूर्या ने मिनिस्टर के घर पे जाके उसको धमकी दी है। अब कोई मिनिस्टर को कैसे धमका सकता है यार? भाई सूर्या आया है। अब यहाँ क्या लेने आया है यार? वो घर वाला थी। इन्हें इतनी चोट कैसे लगी? हम एक दीवार से टकरा गए। तुम दीवार से नहीं, दीवार तुमसे टकराई है। वैसे गजा कहाँ है? भाई घर पे नहीं है। तू इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, मतलब वो घर पर ही है। गजा, मैं सुपरस्टार बन सकता हूँ? खिड़की से नहीं कूदेगा। ये क्या लुका छुपी का गेम खेल रहे हो? ये लुका छुपी नहीं, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। देखो तुम जो भी कह लो, हम दोनों दोस्त हैं। आओ। धमकी देने के लिए वो मिनिस्टर ही बचा था क्या दुनिया में? तुम उसे जानते नहीं हो। जानने का शौक भी नहीं है, वो हमें जान गया बस। मैं उसे समझा दूंगा। हा? बात से नहीं माना तो लात से समझाऊंगा, उसका बाप भी मानेगा। फिलहाल भूख लगी है, लंच मशूचे? बिरयानी है। अरे वाह बिरयानी, चलो खाते हैं। मुझे भूख नहीं, भूखे रहोगे। चलो भाई भाई, मिनिस्टर का फोन है। अबे हमारी पैंट उतार से। सर सर नमस्ते। उस सूर्या से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं माँ की कसम खाता हूँ। आप चाहो तो उसे आज ही मार दो। अपने पैदा होने से लेकर आज तक गलती से सिर्फ एक अच्छा काम हुआ मेरे हाथों, उसके बाप की जान क्या बचाई, वो मेरे जी का जंजाल बन गया है। टेंशन क्यों ले रहे हैं जीजा जी, उसका ट्रांसफर करवा के अपना कुत्ता बिठा दीजिए, साइन हो जाएंगे। मैं नहीं जानता, मुझे समझा रहा है? 15 दिन में वो रिटायर होने वाला है, किसी और को उसकी जगह पर बैठाना मेरे भाई आपका खेल है। वो मूर्ति अपनी इज्जत बचाना चाहता है और बेटा उसे बचाना चाहता है। इन बाप बेटे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उस 25 साल के लौंडे ने मेरे 25 साल के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को ललकारने की हिम्मत की है।